कोरोना महामारी में व्यक्ति संक्रमण से बचने के हर उपाय कर रहा है। मुश्किल उन लोगों को आ रही है जो गंभीर बीमारियों से पहले से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज के मरीज के लिए कोरोना से जुड़ी कोई दवा या घरेलू नुस्खा खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन इम्यूनिटी को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी है। ऐसे में नीम और गिलोय का जूस उनके लिए रामबाण है। विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसने कई लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। WHO के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल 1.6 मिलियन मौतें मधुमेह से होती हैं। संगठन ने ये भी दावा किया कि हर साल 2030 तक डायबिटीज विश्व भर में सबसे बड़ी मौतों की 7वीं सबसे बड़ी वजह होगी। एक संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाकर ब्लड शुगर लेवल को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। एथ्नोमेडिसिन पर जर्नल स्टडीज के अनुसार नीम का पाउडर इंसुलिन न लेने वाले मरीज के डायबिटीज लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। मतलब ये कि डायबिटीज के मरीज इंसुलिन की जगह नीम की पत्ती के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोई भी नीम के पत्तों को आसानी से चबा सकता है, लेकिन इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि अधिक मात्रा में इसे खाने से हाइपोग्लाइकेमिक प्रभाव हो सकते हैं।